सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। गाइस, तस्वीर आप देख सकते हो, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ प्रगति मैदान और आपका ये रेडिशन ब्लू जो कि कौशाम्बी में पड़ता है, आनंद विहार के पास में। गाइस, आप देख सकते हैं। और आपको बता दूँ, ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर हूँ मैं अभी, और चलूँगा और आपको दिखाऊँगा जहाँ पर किसानों ने धरना दिया था, वहाँ पर से निकलते हुए चलेंगे। ये आनंद विहार वाला कट है गाइस, तस्वीर आप दो लोग देख सकते हैं। और आपको बता दूं कि ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि लाल कुआं के पास में अभी ब्रिज बनाया जा रहा है रेलवे का, तो वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और आगे आपको देखने के लिए मिलेगा वीडियो, देख सकते हैं इसका, यहाँ का ये अपडेट आने वाला है, आज ही कल में आपको मिल जाए शायद, मेरी यही आशा है गाइस। तो ये हम निकलते हुए जा रहे हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से। पहले जाएंगे हम कौशाम्बी रेडिशन ब्लू, फिर वहाँ से जाएंगे हम प्रगति मैदान के लिए गाइस। तो वीडियो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा होने वाला है, तो आप लोग पूरे देखना, और अच्छा लगे तो हमें लाइक शेयर कमेंट कर देना गाइस, क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छा है। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए। और मैं अभी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ब्लॉग नहीं ला पा रहा हूँ गाइस, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ में, तो इस वजह से नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ से हम ये आनंद विहार की साइड में हम कट चुके हैं गाइस, क्योंकि अगर हम बीच वाली लेन में जाते हैं फिर कोई कट नहीं है, आखिर सराय काले खां जाके इसमें कट निकलेगा गाइस, तो हम पहले ही हो जाते हैं। और ये पड़ता है खोड़ा कॉलोनी, जहाँ से ये कट दिया हुआ है गाइस। तो ये अंदर वाली लेन में चले जाते हो, ये बाहर वाली लेन में चलेंगे। तो हम चलेंगे अभी आनंद विहार वाले रूट पे गाइस, नीचे से हो जाएंगे, तो अभी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तस्वीरें बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही सुंदर ब्लॉग है, ये देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। और ऐसे ही ब्लॉग्स मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ, आप लोगों को इंटरटेन करता रहता हूँ गाइस। और इस वीडियो से कोई क्वेश्चन, कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स मैं आप लोगों के बीच दोस्तों लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ गाइस। देख सकते हैं ये, आपको बता दूँ यहीं पर पड़ता है गाजीपुर फिश मंडी, मुर्गा मंडी, सब्जी मंडी गाजीपुर। देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, ये हम नीचे उतर रहे हैं आनंद विहार के लिए, और यहीं पर किसानों का ये धरना लगा हुआ था इसी जगह पर। ये दोनों रोड इन्होंने ब्लॉक कर रखी थी किसानों ने, बिल्कुल ही अच्छी वाली। तो यहाँ से पहले निकलना बढ़ना नहीं होता था, तो ये आ चुका है अंडरपास, और यहाँ से हम राइट हो जाएंगे गाइस। और रेडिशन ब्लू दिखाते हैं आपको कि वहाँ की तस्वीरें कैसी हैं रेडिशन ब्लू की, तो आप लोग देखना और बताना मुझे इन्जॉय करके कि कैसा लगा आपको वहाँ का ब्लॉग, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ गाइस। और रेडिशन ब्लू पहले एक था, अब डबल कर दिया गया है, एक बिल्डिंग अलग है, दूसरी बिल्डिंग अलग है। तो देख सकते हैं वो जो बिल्डिंग चमक रही ऊंची ऊंची थी, वही है रेडिशन ब्लू गाइस हमारे गाजियाबाद का, क्योंकि बहुत बड़ा ये होटल है गाइस, 5-स्टार होटल है रेडिशन ब्लू। दिल्ली में तो बहुत सारे हैं गाइस, आपको क्या बताऊँ, कई सारे हैं दिल्ली के अंदर। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ब्लॉग दिखाया जाए, बताया जाए कि कैसा लगा आपको वीडियो। और अभी कुछ दिनों से थोड़ा परेशान चल रहा हूँ मैं गाइस, आप लोगों के लिए एक नया कैमरा लाने वाला हूँ, तो इस वजह से मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं लाने वाला हूँ दूसरा कैमरा, फिर उससे शूट करेंगे आपको, फिर दिखाएंगे, रेगुलर कंटेंट आते रहेंगे आप लोगों के पास में, अपडेट मिलते रहेंगे नए कैमरे से, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारे ब्लॉग आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ जहाँ एनसीआर में अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, चाहे वो एक्सप्रेसवे का हो, मेट्रो का हो, आरआरटीएस का हो, या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, आप लोगों को सारे अपडेट देखने के लिए मिलेंगे केपी संत के चैनल पर गाइस। ये महीना तो निकल जाने दो, अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा, नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, नए कैमरे के साथ करेंगे, ताकि आप लोगों को भी क्वालिटी देखने के लिए मिले, और मैं अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं आप लोगों के सामने गाइस, ताकि आप लोग
ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करो हमारे वीडियोस को गाइस। तो देख सकते हैं ये आ चुके हैं हम रेडिशन ब्लू, जो कि कौशाम्बी में पड़ता है और यहाँ से बगल में ही आपके बता दूँ आनंद विहार है। और बहुत सारे मैंने ब्लॉग्स वहाँ के डाल रखे हैं, तो आप लोग जाके देख लेना। और आपने नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। आप लोग आनंद विहार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कोई सुझाव है तो वीडियो देख लेना, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा आप लोगों को गाइस। देख सकते हैं कि कितना अच्छा है, ये बहुत ही सुंदर है। दूसरी बिल्डिंग वो सामने चमक रही है रेडिएशन ब्लू की गाइस, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। क्योंकि आपको बता दूँ कि जो भी विजिटर्स आते हैं ना वो यहीं खड़े होते हैं। देखो जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी होगी, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो ये गार्ड साहब खड़े हुए हैं, ये यहाँ पर ये है, ये खड़ा हुआ है कि ये दरवाजे खोलता है। तो यहाँ से हमने छोड़ दिया है और चलते हैं आगे की साइड में। तो देख सकते हैं जो इसकी पार्किंग है वो यहाँ सामने है। जो प्राइवेट व्हीकल आते हैं, जो प्राइवेट वाहन वाले आते हैं और जो यहाँ से जो होटल बुक करते हैं उनकी पार्किंग अंदर है गाइस। जो घंटे दो घंटे लिए चार घंटे के लिए आते हैं उनकी पार्किंग बाहर है, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। और ये जो ये रोड चली जाती है सीधी मोहन नगर के लिए गाइस, देख सकते हैं ये पार्किंग है। मतलब कि मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि बहुत ही बढ़िया ब्लॉग है ये, बहुत ही अच्छा है, इंटरटेनिंग ब्लॉग है। तो आप लोग जाकर देखो, विजिट करो ज़्यादा से ज़्यादा। रेडिएशन ब्लू कुछ इस टाइप का है, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें दोनों साइड से। ये देखिए 5-स्टार होटल है रेडिएशन ब्लू के नाम से जाना जाता है और ये कौशाम्बी में पड़ता है, नियर आनंद विहार है। और कौशाम्बी का मेट्रो स्टेशन भी बगल में ही है गाइस। और यहाँ से अगर हम सीधे सीधे निकल जाते तो मोहन नगर के लिए निकल जाएंगे गाइस, देख सकते हैं। और ये दूसरी बिल्डिंग है रेडिएशन ब्लू की गाइस, और ये बगल में है पर्ल ग्रैंड, और इसके ही बगल में है गाइस डाबर चमन प्लास का ऑफिस। गाइस आपको बता दो, और अब हम चलने लगे हैं यहाँ से। देखिए रेडिएशन ब्लू से हमारा काम हो चुका है, अब हम चलते हैं सीधे सीधे कहाँ के लिए, प्रगति मैदान के लिए। तो तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, इधर से हम निकलते हुए जाएंगे, वो फर्स्ट बिल्डिंग थी, ये सेकंड बिल्डिंग है रेडिएशन ब्लू की गाइस, देख सकते हैं। और उसके बगल से ये निकलती है रोड गाइस, ये देखिए 6 लेन की है। और आपको बता दूँ मेरे लेफ्ट हैंड पे है वैशाली, जो कि मैक्स हॉस्पिटल है वैशाली का, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है गाइस। और राइट में जैसे कि आपने मैंने आपको बताया कौशाम्बी है, ये कौशाम्बी है राइट वाला, लेफ्ट वाला वैशाली है। और वैशाली को जैसे ही क्रॉस करेंगे वैसे ही आ जाता है वसुंधरा, और वसुंधरा को क्रॉस करेंगे तो आ जाता है मोहन नगर। देखिए आप लोग तस्वीर है, ये है रेडबत्ती यहाँ की आपके वैशाली की गाइस। और यहाँ से हम निकलते हुए जा रहे हैं और ये सामने आ जाता है गाइस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे NH-24। और जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे वैसे ही लेफ्ट हैंड पे पड़ता है गाइस गाजीपुर डंपिंग यार्ड, और उसके ही बगल में नीचे है डंपिंग यार्ड के ही नीचे है गाइस गाजीपुर मछली मंडी, मुर्गा मंडी, गाजीपुर मुर्गा मंडी के नाम से ये जाना जाता है गाइस। देख सकते हैं ये टंकी वहीं पर लगी हुई है गाजीपुर मुर्गा मंडी पे ही गाइस। और यहाँ से हम निकलते हुए चलेंगे और आपको बता दूं कि ये आ जाता है विनोद नगर का मेट्रो स्टेशन, काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा है गाइस, ये डिपो है गाइस। और ये है पर्पल लाइन गाइस, पर्पल लाइन का ये है, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए हम फिर आ चुके हैं उसी लाइन में,
यानी कि बीच वाली लाइन में हम यहाँ से आ चुके हैं विनोद नगर से गई, देख सकते हैं बीच वाली लाइन में, और कोई कट नहीं है। अब सीधा सराय काले खां जाके ये कट निकलेगा गाइस, और ये आ जाता है अक्षरधाम। देखिए अक्षरधाम का ये फ्लाईओवर और मेट्रो या ब्रिज है गाइस, और ये मेरे राइट वाला है अक्षरधाम, और लेफ्ट वाला है आपको बता दूं मयूर विहार। अब मयूर विहार जैसे ही क्रॉस करेंगे वैसे ही नोएडा स्टार्ट हो जाता है गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।